भाई सर महेंद्र कुमार मीणा, हम यहाँ से यहाँ पे एनएसटीआई चेन्नई के ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हमारे सर यहाँ जनार्दन जी, ट्रेनिंग ऑफिसर सर जनार्दन की देख रेख में गोडाउन वायरिंग का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम किस प्रकार प्रैक्टिकल करते हैं और इसका मेन पर्पज क्या होता है। सबसे पहले ये जानना है कि हमारा गोडाउन वायरिंग करने का मेन पर्पज क्या होता है। इसका मेन पर्पज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को सेविंग करना। हम किसी भी बड़े वेयर हाउस या बड़े बिग वॉल्स, बिग रूम्स, बिग लैब्स इत्यादि में वायरिंग करते हैं तो हम किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी को सेविंग कर पाते हैं। इसलिए सेविंग करने के लिए हम गोडाउन वायरिंग को प्रयोग में लेते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार हमारी गोडाउन वायरिंग काम में ली जाती है। इधर आइए, सबसे पहले हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। ये एंट्री गेट है, मेन गेट के पास में एक स्विच लगा होता है। जितने भी बल्ब लैंप होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा स्विच जो काम में लिया जाता है। अब यहाँ चार लैंप है, पांच स्विच हम यूज में लेंगे। सबसे पहले स्विच को ऑन करते हैं, पहला लैंप जलता है। इसके आफ्टर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऑन करते हैं तो नेक्स्ट वाला जल जाता है और आफ्टर ये वाला बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला बुझ जाता है और आगे वाला जल जाता है। इस प्रकार और आगे बढ़ते हैं ये वाला बुझ जाता है, नेक्स्ट वाला बुझ जाता है। इस पर हमें कोई भी काम करना होता है आराम से इसमें काम कर सकते हैं। और यदि इस काम करके कंप्लीट हमारे काम कंप्लीट होने के बाद हम बाहर निकलते हैं, जो ही और आगे बढ़ते हैं ये हो गया, ये हो गया। इस प्रकार हम से ही एग्जिट हो जाते हैं, इस प्रकार निकल जाते हैं। एक कंडीशन क्या होती है, जब हमारे बैग ये वेयर हाउस में किसी प्रकार की साफ सफाई की जाती है तो हमें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पूरे लैंप को ऑन रखना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम पहले लैंप तीसरे लैंप एक स्विच को छोड़कर एक स्विच को जलाना ऑन करना होगा। इस कंडीशन में हमें फुल प्रकाश मिल जाएगा, इस कंडीशन में हमारी सफाई आराम ईजिली हो जाएगी। इस कंडीशन में सफाई हो जाएगी। इस प्रकार हमारे गोडाउन वायरिंग की जाती है, इस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग की जाती है और हमारा काम पूर्णतः ईजिली हो जाता है। ओके, थैंक यू सर।